नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 1390 में है। इन्फोसिस लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, मल्टीनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और स्टॉक प्राइस 1390 में। एक बड़ा अपडेट आ रहा है नतीजों के बारे में, डिविडेंड के बारे में। स्टॉक में एक तरह से दबाव रहा है पिछले कुछ समय से, शेयर बाजार में भी दबाव रहा है। आईटी सेक्टर के शेयरों में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब स्टॉक प्राइस 1390 में है 22 मार्च 2023 को, तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे आगे क्या रह सकता है और सिचुएशन के हिसाब से जो अभी मार्केट में चल रहा है। फिलहाल जो अपडेट है सबसे पहले उसकी बात करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। और सबसे पहले अपडेट को देखते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड के नतीजे आने वाले हैं 13 अप्रैल 2023 को। फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा चौथी तिमाही का और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जो अपडेट है, देखिए, टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 2023 एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड से भी कमाई होती है, तो नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो डिविडेंड से भी कमाई होती है। कहने का मकसद, जिन्होंने ऊपर की तरफ स्टॉक को लिया है 1500-1600 के आसपास, फिलहाल 1390 में स्टॉक प्राइस है, तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। अब ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना रह सकता है, देखिए जो रिकॉर्ड है, और ये डिविडेंड कितना रह सकता है, तो पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, तो देखिए 13/4/2022 को अनाउंसमेंट डेट थी और 16 रुपीज़ का डिविडेंड दिया गया था, तो अब की बार भी इसी के आसपास या इससे ज़्यादा भी रह सकता है क्योंकि स्टॉक में एक तरह से दबाव देखने को मिला है। तो ये रिकॉर्ड के अनुसार है, तो देखना पड़ेगा कि 13 अप्रैल 2023 को कितना डिविडेंड दिया जाता है इन्फोसिस के द्वारा। तो ये अपडेट है, नतीजे आने वाले हैं और शेयर प्राइस में हलचल बनी रह सकती है। और इन्फोसिस का जो मार्केट कैप है 5,76,338 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 181 का है, अर्निंग पर शेयर 57 का है, डिविडेंड यील्ड 2.23 का है। तो डिविडेंड हर तिमाही दिया जाता है, तो अब की बार भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 137% का है ही है अभी भी, और 1 साल का रिटर्न माइनस में आ गया, 26% का माइनस रिटर्न है, और 3 महीने का रिटर्न 8% का। तो पिछले 1 साल से जिन्होंने इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो नुकसान रहा है, बट ये कि डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा, अब की बार फिर से डिविडेंड मिलने वाला है। तो 3 साल के अनुसार तो देखिए अभी भी निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिख रहा होगा, 137% का है, और जबकि गिरावट है 1 साल का रिटर्न माइनस में। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और मार्केट कैप और बुक वैल्यू पर शेयर और जो अपडेट है 13 अप्रैल 2023 को नतीजे घोषित होंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का है, 1390 में स्टॉक प्राइस है, 25-26% का माइनस रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर निवेशकों को इन्फोसिस ने। अगर हम 52 वीक हाई की बात करते हैं, 1919 का 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है 1355 का। देखिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, देखिए स्टॉक में एक तरह से दबाव है, बेयरिश मोड बना हुआ है। तो ऊपर की तरफ ये जब तक 1500 या 1492 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक एक तरह से तेजी नहीं रहेगी, और नीचे का जो अभी सपोर्ट है 1355 का, अगर इसको ब्रेक करता है थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है, मान के चलिए कि 10-15% और नीचे रह सकता है अगर मार्केट में गिरावट बढ़ेगी। और आईटी सेक्टर के शेयर पिछले कुछ समय से एक तरह से दबाव में रहे हैं। देखिए पिछली बार ये, देखिए अगर हम ग्राफ को देखें तो 30 मार्च 2022 को 1903 में था, 1 साल पहले, उसके बाद देखिए लगातार एक तरह से फिसला है सारे आईटी सेक्टर के शेयर जो दिग्गज हैं उनमें भी, और इन्फोसिस देखिए एक बड़ी कंपनी है और इन्फोसिस में गिरावट है। तो ऐसा होता है मार्केट में, और अगर हम ग्राफ को देखें तो थोड़ा बहुत इसमें जंप आ रहा है ऊपर की तरफ, जैसे कि अभी भी ऊपर की तरफ गया था ये 1600 के आसपास, फिर से देखिए वो 1400 के आसपास पहुंच गया। तो आगे आने वाले समय में सिचुएशन सुधरेगी, मान के चलिए 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल के बाद, तो इन्फोसिस लिमिटेड में फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल डिविडेंड से काम चलाना चाहिए। तो ये इन्फोसिस का अपडेट है, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, साथ में डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को जिनके पास इन्फोसिस लिमिटेड है रिकॉर्ड डेट के अनुसार, और स्टॉक प्राइस 1390 में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।